नमस्कार दोस्तों, रामकला से यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं कि अगर हमारी गाय बछड़ी या बछड़े या भैंस को जू लीक किलनी चीचड़ ये सब पड़ गए हैं, तब जो है हम देसी जुगाड़ से किस तरह से उन्हें बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं या मार सकते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ यूनिक नया जो है एक जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। कितनी भी किलनी पड़ी हैं उस जड़ी बूटी के साथ में क्या क्या मिलाना है, बहुत ही मामूली है, उसमें आपको कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। 2-5 रुपए का खर्च में आप जो है 1 लीटर दवा बना सकते हैं। उसके बाद किस तरह से यूज करना है, उस जड़ी बूटी का नाम क्या है, वो जड़ी बूटी मिलती कहाँ है, इस वीडियो हम चर्चा करेंगे और आप लोगों को सही तरीके से समझा भी देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको चाहिए 5 रुपये के लिए, 5 रुपये का आप जो है तंबाकू ले लीजिए, जो सूखा जिसे कहते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारे यहाँ उसको चोरकटिया बोलते हैं, चोरकटिया के नाम से जाना जाता है ये जड़ी। इसमें आप देखेंगे पत्तियाँ लगी हुई है, पत्ती के साथ साथ इसमें फल भी लगे हुए हैं। इस पत्ती और फल को देखकर आप बहुत ही आसानी से पहचान कर पाएंगे कि ये जड़ी बूटी कौन सी है। तो यही है वो जड़ी बूटी जिसे आपको बनाना है। किस तरह से बनाना है, सबसे पहले आपको चाहिए, हम एक पशुओं के लिए बता रहे हैं, एक पशु के लिए अगर हमें दवा बनाना है तो हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए 1.5 लीटर पानी, कोई भी पानी हो चलेगा। 1.5 लीटर पानी में मात्र 5 रुपये का तंबाकू ले लेना, उसमें डाल देना। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस पौधे को हमारे यहाँ चोरकटिया के नाम से जाना जाता है, जो कि कपड़े में पकड़ लेता है, बालों में पकड़ लेता है, तो जल्दी छोड़ता नहीं है। तो इसको जो है पत्तियाँ तोड़ लेना है, लगभग 500 ग्राम जैसी, मान लीजिए एक पेड़ है उसके अंदर से जो भी अपने अंदाज से 400-500 ग्राम जैसा पत्ती तोड़ लेना है। और इसमें फल जो आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें से मात्र 10 फल तोड़ना है। 10 फल को तोड़ करके उसे फोड़ डालना है। तोड़ने के बाद उस पत्ती को भी थोड़ा मसल देना है, जिससे क्या है उसमें थोड़ा रौनक आ जाए। और पानी में डाल दीजिए, उससे गैस पर मध्यम आंच में, बहुत ज़्यादा आंच नहीं करना है, मतलब मीडियम आंच करके उसे पका लेना है। पानी जब 0.5 लीटर बस जाता है अंदाज बस, फिर उसे आप जो है उतार लें। उतारने के बाद जब ठंडा हो जाता है तब उसे आप गार लीजिए। गारने के बाद सूती कपड़े में लपेट कर उसे अच्छी तरह से गार लें ताकि उसका पूरा रस पानी में आ जाए। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसको जो है आपकी पशु चाटने ना पाए। फिर गारने के बाद इसमें चाहें तो आप आवश्यकता अनुसार पानी मिला सकते हैं, जितने आपकी गाय भैंस बछड़ी बछड़ा है उसे आप लगा सकें। तो उसमें जो 1.5 लीटर का बनेगा उसमें आप बछड़ी को भी लगा सकते हैं, बछड़े को भी लगा सकते हैं, एक बड़ी गाय है तो उसको भी लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो उसमें आपको पानी भी थोड़ा मिला लेना है, लगभग ज़्यादा नहीं मिलाना है, 0.5 लीटर जैसे पानी मिला लेना है। मिलाने के बाद सूती कपड़े से उसे आपके जो भी गाय है बछड़ी है उसके पूरे शरीर में घिस देना है। घिसने से क्या होगा, उसका जब रस जाएगा, ये भी एक जहर जैसा होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, जो किलनी चीचड़ जूं मर जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जब भी इसको अपने पशु को लगाएं तो अपने पशु के जो गर्दना होता है ऐसा बांध दें कि वो चाटने ना पाए, क्योंकि चाटने से दिक्कत हो सकती है। तो इसको कितना देर लगाना है, मात्र 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटे। जब भी लगाएं, धूप हो तब लगाएं, लगाने के बाद धूप में आप इसको बांध दीजिए। धूप लगने के 2 से 2.5 घंटे के बाद उसे अच्छी तरह से धुल दें ताकि सब निकल जाए और जो भी किलनी चीचड़ जो है सब नष्ट हो जाएंगी। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।